बात करेंगे लखनऊ की। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सुबह आवास पर पहुंचे और वहीं डेरा डाल दिया। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। शिक्षक अभ्यर्थियों के पहुंचने की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अभ्यर्थी लिखित समझौते होने की मांग को लेकर अड़े रहे। मांग रही है कि जो 69,000 में आरक्षण घोटाला हुआ है, वो आरक्षण घोटाला को कंप्लीट करने के लिए, सही करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 6800 की एक लिस्ट जारी करी गई, लेकिन कोर्ट में सरकार की तरफ से बहुत कमजोर पैरवी हुई, जिसकी वजह से वो 6800 की जो लिस्ट थी वो खत्म हो गई। हम बस ये चाह रहे हैं कि जो 6800 बच्चे 2018 या 2019 में जो पर होने चाहिए थे, वो 2023 में भी सड़कों पर भटक रहे हैं, और जो नहीं होने चाहिए थे वो आज सैलरी उठा रहे हैं। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, हम लोगों को हमारा नियुक्ति पत्र मिले।